नमस्कार, मेरा नाम है निशा। आप देख रहे हैं SM न्यूज चैनल। अधिकतर लड़कियां सोचती हैं कि मैं लड़का होती तो अच्छा होता। इन सब के क्या कारण है, आइए हम आपको बताते हैं। जब लड़की सोचती है कि मैं लड़का होती तो ये इसके कारण क्या है। आज मॉडल जमाने में लड़का लड़की को लेकर भेदभाव नहीं होते, मगर आज भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ लड़की को लड़का और लड़की में अंतर किया जाता है। लेकिन उनको नहीं पता कि हर जगह लड़की लड़के की अलग अलग पहचान होती है, समाज में उनकी अलग अलग स्थान होता है। लड़कों को जितनी छूट और आज़ादी मिली होती है, लड़कियों को उतनी छूट फ्रीडम नहीं मिली होती। यही कारण है कि लड़की सोचती है कि वो लड़का होती तो अच्छा होता। आइए जाने किन सिचुएशन में लड़की के मन में यह ख्याल आता है कि वो लड़का होती तो अच्छा होता। लड़कियों को घूमने नहीं दिया जाता, कई बार लड़कियों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। उनसे बोला जाता है कि जो भी आपको चाहिए, पापा भाई जो भी है लाके दे देंगे आपको। उनको अपने दोस्त के साथ भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, पर लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो जब मर्जी चाहे बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हैं। दूसरा, लड़कियों को जल्दी घर पहुंचना होता है। अगर किसी के घर वाले उनको इजाज़त दे भी देते हैं बाहर जाने की, उनको शाम को घर आने की जल्दी पाबंदी लगा दी जाती है। तब भी लड़की के मन में ये ख्याल आता है कि वो लड़का होती तो अच्छा होता, कम से कम उन पर घूमने बाहर जाने की पाबंदी नहीं लगाई जाती। तीसरी सिचुएशन है अपनी बात कहने का मौका ना देना। लड़कियों के साथ कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ बोलना चाहती है पर उनको मौका नहीं दिया जाता है, उन्हें चुप करा दिया जाता है, पर लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। बनती है घर की इज्जत। लड़कियों को बताया जाता है कि वो लड़की अपने घर की इज्जत है। जो भी वो फैसला ले, जो भी करे अपनी लाइफ में, सोच समझ के करे ताकि उनकी माँ बाप की इज्जत खराब ना हो। हर फैसले को घर से लेके सोचना पड़ता है उनको। आज भी कई जगह रूढ़िवादी परंपराएं कायम है। कई जगह लड़कियों को बोला जाता है कि आपको शादी करने के बाद दूसरे घर जाना है, तो आप ये करके क्या करेंगी। इसी वजह से कई लड़कियों को एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है और लड़कों को एजुकेशन मिलती है। लड़कियों से बोला जाता है आप एजुकेशन करके क्या करोगे, आपको तो जाना दूसरा घर है और खाना भी बनाना है। इसी वजह से लड़कियों के मन में हमेशा ख्याल आता है कि अगर वो लड़का होती तो ज़्यादा अच्छा होता। जब लड़कियों को पढ़ने के लिए मना किया जाता है तो मैं आपको बताती हूँ लड़कियों को पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। घर में बोला जाता है भाइयों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि भाई आगे जाके वंश बढ़ाएंगे, पर मैं आपको बताती हूँ कि लड़के वंश नहीं बढ़ाते, वंश लड़कियाँ बढ़ाती। क्योंकि लड़कियाँ नहीं होंगी, माँ नहीं होंगी, बहन नहीं होंगी, तो लड़के कैसे वंश बढ़ाएंगे। लड़के अगर एजुकेशन होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो ससुराल जाके अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को या अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ा सकती है। और भी कई लोगों जिनको पढ़ना नहीं आता उनको पढ़ना भी सिखा सकती है। इसलिए सभी को लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए, एजुकेशन अच्छी एजुकेशन देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और लड़का लड़की में भेद नहीं करना चाहिए। लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो अपने बहन भाई को घर में पढ़ा सकती है। शादी के बाद वो अपने घर में जितने भी छोटे बच्चे होंगे उनको भी पढ़ा सकती है और आने वाले पीढ़ियों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, अच्छी अच्छी पढ़ा सकती है, अच्छे विचार दे सकती है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो अपने आने वाले बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे समझदार बनाएंगी। चांद पर भी जाने वाली एक महिला ही थी और बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत कुछ कर चुकी है, तो आपको भी अपनी लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।